हेलो प्यारे बच्चों, डियर पेरेंट्स, आप लोग प्लीज़ स्क्रीन को टर्न कर दीजिए क्योंकि ये बच्चों का स्ट्रिक्टली नो स्क्रीन टाइम है। बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्टोरी को सुनेंगे, देखेंगे कुछ भी नहीं। तो बच्चों, आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का नाम है द लायन एंड द बोर। डू यू नो हु इज़ अ बोर? बोर होता है वाइल्ड पिग। ओके, सो देखते हैं इन दोनों ने क्या किया। वंस इट डिड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक बार की बात है, बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई थी। जब बारिश नहीं होती है तो क्या हो जाता है? सब कुछ सूख जाता है। सो ऑल द रिवर्स एंड द पॉन्ड्स ड्राइड अप। तो जंगल के जितने भी रिवर्स थी, पॉन्ड्स थे, सब सूख चुके थे। बट देयर वॉज सम वाटर इन अ स्मॉल पॉन्ड इन द जंगल। लेकिन एक छोटा सा पॉन्ड था जिसके अंदर थोड़ा सा पानी अभी भी बचा हुआ था। वन डे अ थर्स्टी लायन केम टू ड्रिंक वाटर एट दैट पॉन्ड। एक दिन एक प्यासा शेर आया जिसे बहुत प्यास लगी हुई थी और वो उस पॉन्ड में पानी पीने के लिए आया। एट द सेम टाइम अ बोर ऑल्सो केम देयर। बिल्कुल उसी टाइम पर बोर भी वहाँ पर आ गया पानी पीने के लिए। बोथ विश्ड टू ड्रिंक द वाटर एट द सेम टाइम एज बोथ वर थर्स्टी। अब दोनों को प्यास लगी हुई थी तो दोनों को एक साथ पानी पीना था। आई शैल ड्रिंक फर्स्ट, स्नैल्ड द बोर। बोर ने गुस्से में कहा, मैं पहले पानी पीऊंगा। नो, आई विल ड्रिंक फर्स्ट, लायन ने जोर से रोर करते हुए बोला। नहीं, मैं पहले पीऊंगा। सून देयर वॉज अ बिग फाइट बिटवीन देम। अब जल्दी ही क्या हुआ, दोनों लड़ने लग गए। आप भी ऐसे ही करते हो क्या घर पे, जब टॉय से खेलना होता है? ये मेरा टॉय है, इससे मैं खेलूंगा। आपका फ्रेंड कहता है, नहीं ये मेरा टॉय है, इससे मैं खेलूंगा। और बस मैं खेलूंगा करते करते फाइट हो जाती है। सेम लायन और बोर के बीच में भी फाइट हो गई। लायन कहता था, मुझे पहले पानी पीना है। बोर कहता था, मुझे पहले पानी पीना है। नाउ अ वल्चर वॉज इन्जॉइंग ऑल दिस सिटिंग ऑन अ रॉक नियर बाय। एक वल्चर था जो वहीं पर पास में बैठकर इन सब चीज़ों को इन्जॉय कर रहा था। उसने ज़ोर से वहाँ से बोला, I will wait till the two of you kill each other. Then I will have feast on your bodies. वल्चर ने कहा, मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार नहीं देते। खूब लड़ो दोस्तों, मार डालो एक दूसरे को, फिर मैं तुम्हें खा कर अपना पेट भर लूंगा। ऑन हियरिंग दिस द लायन एंड द बोर स्टॉप्ड फाइटिंग। लायन और बोर ने फिर ये सुनने के बाद फाइटिंग स्टॉप कर दी। उन दोनों ने यही सोचा कि यार, अगर लड़ते लड़ते हमने एक दूसरे को मार दिया तो पार्टी तो इस वल्चर की हो जाएगी। उन दोनों ने फाइटिंग स्टॉप कर दी। दे सेड, लेट अस बी फ्रेंड्स, वी शैल नॉट बिकम दिस वल्चर्स फूड। दोनों ने आपस में हाथ मिलाया और कहा कि चलो अब ना हम दोस्त बन जाते हैं और हम इस वल्चर का फूड नहीं बनेंगे। एंड दे वेंट ऑफ एज फ्रेंड्स, लीविंग द वल्चर गेपिंग। अब एंड में क्या हुआ, दोनों दोस्त बने, दोनों ने साथ में पानी पिया और दोनों वहाँ से चले गए और वो जो वल्चर था वो उन्हें सिर्फ देखता रह गया। तो इस कहानी से हमें क्या मॉरल मिलता है? मॉरल ये है दैट देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी। यूनिटी यानी कि एक साथ मिलकर रहना। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो या आप अपने ब्रदर सिस्टर कजिन्स किसी के साथ भी खेल रहे हो तो आपको एक साथ खेलना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि ये तो मेरा टॉय है, इससे तो सिर्फ मैं खेलूँगा, या ये मेरी बाइसिकल है, इस पर सबसे पहले मैं ही बैठूँगा, या मुझे बैट बॉल खेलना तो मैं सबसे पहले बैटिंग करूँगा। नो, अगर आप अकेले रहोगे तो बाकी सब लोग दे विल मेक फन ऑफ यू, आप पर हंसेंगे सब लोग। और अगर आप सबके साथ मिलकर खेलते हो, सब लोगों को इक्वल चांस देते हो, तो आप क्या कर पाओगे, अपने प्ले टाइम को एंजॉय कर पाओगे। और अगर आप फाइट करते रहोगे सबसे तो फिर आपका कोई फ्रेंड भी नहीं बनेगा और जो मॉम आपको आपका प्ले टाइम देती है वो तो फाइटिंग में ही वेस्ट हो जाएगा।
सो इसलिए फाइट नहीं करना है आपस में, सारे दोस्तों को, सारे कजिन्स को, आपके जितने भी लोग हैं जिनके साथ आप खेलते हो, सबको साथ में रहकर खेलना है और सबको इक्वल चांस देना है। तो आपको आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। कैसे बताओगे? मॉम डैड से बोलो कि इस वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक आपको अपना स्क्रीन टाइम बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। ओके, बाय।